सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों के पत्तों को अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें जो मोटी डंडियाँ थी वो हटा दी हैं और इसको अच्छे से पानी से धो लिया है। और अब हम कुकर में एक गिलास पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे ये सरसों के पत्तों को अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है और अब हम इसको ऐसे मैश करेंगे। आपके पास अगर ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर से मैश कर लीजिए या फिर आप इस तरह से दबा दबा के इसको अच्छे से मैश करना है। तो ये सरसों के पत्तों को अच्छे से मैंने मैश कर लिया है और ये देखिए एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें आटे का घोल डालेंगे। तो उसके लिए हम आटे का घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है। आप यहाँ पे मक्के का आटा या गेहूं का आटा कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कि इसमें लम्स ना रहे आटे के। अब ये पेस्ट एकदम रेडी है और अब हम इसको साग में ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें इसको ऐड करेंगे। एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। जितना आपको जरूरत हो आप उतना इसमें ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है और अब हम इसमें एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही जीरा फ्राई हो जाएगा हम इसमें ये जिंजर गार्लिक प्याज और मिर्ची का पेस्ट है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये मसाला अच्छे से भून गया है और अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और नमक। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एकदम पक गया है और अब हम इसको साग के साथ ऐड कर देंगे। तो हम इसको इसी कुकर में ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हमने साग पकाया था। तो अब हम साग में फाइनल तड़का लगाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ये देसी घी को गर्म कर लिया है और अब हम इसमें कटे हुए लहसुन ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे लहसुन है जिसको मैंने काट लिया है, इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बाकी हम इसमें ये डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा और ये है थोड़ी सी हींग और साथ ही हम इसमें दो खड़ी लाल मिर्ची डाल रहे हैं। और जब तक लहसुन एकदम लाल नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको भून लेंगे। तड़का एकदम फ्राई हो गया अच्छे से और अब हम इसको साग में ऐड कर देंगे और अच्छे से। तो साग एकदम रेडी है। इसको आप मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगेगा ये। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।